शहर के गंज थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खेत में होद खोदने की बात को लेकर दो पक्षों में यह विवाद उपजा, जिसके चलते कुछ आरोपी व्यक्तियों द्वारा महिला के पति और महिला के साथ मारपीट की गई। अपराधियों द्वारा जातिसूचक शब्दों का उपयोग भी किया गया। वहीं पुलिस ने दर्ज मामले के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष थाना क्षेत्र की एक महिला पेश हुई, जिसने बताया कि हमारे सामलाती खेत में होद खुदाने की बात को लेके विवाद हुआ, जिस पे जसवंत, टोनी, बलवीर आदि ने मेरे और मेरे पति के साथ मारपीट की तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और मेरे साथ छेड़छाड़ की, जिस पर श्रीमान एसपी आदेश अनुसार थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान जारी है। 23, 344, 504, 447, 34 IPC और SC/ST की धाराओं में दर्ज हुआ। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव। चुनाव में रह गया सिर्फ एक साल का समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे अमी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206।